नई ऋतु के आगमन पे सबसे पहले मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, और इस कल्चरल प्रोग्राम जो आज हमारी DSW जिस कॉलेज की हैं, जिसकी जो हेड है डॉक्टर रचना जी, उनकी अगुवाई के अंदर जो है बहुत ही खूबसूरत कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया, जिससे हम अपने बच्चों में ये चीज़ इनकलकेट करना चाहते हैं कि वो अपने कल्चर को पहचाने और उसको आगे बढ़ावा दे और उनकी इम्पोर्टेंस को समझे और इस चीज़ को आगे ज़्यादा लाएं और इन पहचाने कि हमारा कितना रिच कल्चर है और इसको किस तरीके से जो है वो हम आगे अपने देश के लिए, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने भारत को और कितना ज़्यादा, कितना खूबसूरत है हमारा कल्चर, उसको रिफ्लेक्ट करें दुनिया के सामने। ये हमारे बच्चे जो इन्होंने आज मैडम ने बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज़ करा, इसके लिए मैं इनको बहुत मुबारकबाद देती हूँ और इनकर्ज करती हूँ इनको भी और बच्चों को भी कि ऐसे भी जो प्रोग्राम है वो फ्यूचर में भी ऑर्गेनाइज़ किए जाए ताकि हमारे बच्चे जो है वो अपने कल्चर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सकें। थैंक यू सो मच। कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी की डीन हूँ, उसके नाते मुझे लगा कि भारत जो है एक ऋतुओं का देश है, अलग अलग धर्मों, जातियों और भाषाओं का देश है, और कहीं ना कहीं हम पाश्चात्य की आड़ में, जैसा कि आप सब जानते हैं, बच्चे उस तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो मुझे ख्याल आया क्यों ना हम बसंत पंचमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम से मनाएं, ताकि बच्चों को कम से कम अपने कल्चर के बारे में, अपनी वैल्यूज़ के बारे में और जो भारत का रिच ट्रेडिशंस है उनके बारे में पता चले। तो इसी, यही मेरा एक एम था इसको ऑर्गेनाइज़ करने का, तो इसीलिए मैंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और हम कोशिश करेंगे आगे भी जो हमारे भारत में त्यौहार मनाए जाते हैं, खासकर नॉर्थ इंडिया के, उनको धूमधाम से मनाया जाए।